स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। यहाँ पे आप टोयोटा फॉर्च्यूनर को देख सकते हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर यहाँ पे है और फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो है वो वहाँ पे है। अब रिव्यू थोड़ा सा कर दूंगा मैं। मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि कंपनी आपको 50,000 का डिस्काउंट दे रही है। जनरली आपको टोयोटा इनोवा या फॉर्चुनर में जो है ना डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है, बट इस मंथ जो है कंपनी आपको 50,000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। तो अब शोरूम का एड्रेस वगैरह क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, बट वो मैं बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा इसका रिव्यू जो है ना ऊपर से वो देख लीजिए। तो वेरियंट जो है ये 4x4 वाला वेरियंट है, ठीक है। इसके अलावा आपको 4x2 पेट्रोल डीजल लेजेंडर JRS स्पोर्ट बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो तीन बटन जो वो दिए गए हैं, लॉक अनलॉक, बूट रिलीज करने के लिए टोयोटा का बटन, की जो वो सिंपल से ही रखी गई है फॉर्चुनर का लोगो। तो फॉर्चुनर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम रिलायबिलिटी और टोयोटा के टैगलाइन से बिकती है, ठीक है। बहुत सारी गाड़ियाँ जो है इंडिया के अंदर आई, जैसे कि इंडिवर हो गई, इसुजू की भी कुछ गाड़ियाँ आती थी, निसान की भी कुछ गाड़ियाँ थी, बहुत सारी गाड़ियाँ आई, बट समय के साथ जो है वो सारे लोग चले गए। बट फॉर्चुनर आज भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है और आज आप नया खरीदते हैं, नया खरीदने के बाद जो उसको 5-10 साल चढ़ के भी बेचते हैं तो प्राइस जो है ना वो ज़्यादा नहीं टूटता है। कहीं ना कहीं जो आपको अच्छा रीसेल वैल्यू जो है टोयोटा आपको प्रोवाइड करेगा ही, या तो आप टोयोटा को सेल करें या बाहर में सेल करें। चलिए ये तो हो गई ऊपर की बात। उसके अलावा गाड़ी में फीचर्स वगैरह क्या मिल जाते हैं वो देख लेते हैं। तो गाड़ी में जो फीचर्स दिए गए हैं काफ़ी रगेड और सिंपल से फीचर रखे गए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई आपको जैसे MG ग्लॉस्टर हो गई उसमें बहुत ज़्यादा फीचर मिलता है, बट वहाँ पे ऐसी रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी जो कि आपको टोयोटा के अंदर मिल रही है। तो सबसे पहले हेडलैम्प से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर आप देखिए क्या क्या मिलता है। तो हेडलैम्प का सेटअप यहाँ पे LED के अंदर मिल जाता है, हाई बीम लो बीम प्योर LED सेटअप है। उसके अलावा यहाँ पे आपको DRL वगैरह जो है वो भी दिया गया है। नीचे देखेंगे तो फॉग लैम्प और सोनार सेंसर, बेसिकली ये जो है ना ये पार्किंग सेंसर है बट इसको टोयोटा जो है सोनार सेंसर बोलता है अपने लैंग्वेज में। नीचे देखेंगे तो अपना इंडिकेटर है, ठीक है, टोयोटा का लोगो वो आप देख सकते हैं। इस साइड देखेंगे तो सिल्वर फिनिशिंग के अंदर जो है इसका अलॉय व्हील वो दिया गया है। अगर आप चाहें तो आफ्टर मार्केट ब्लैक भी करवा सकते हैं इसको। यहाँ पे आपको फॉर्चुनर का जो एम्बोजिंग है ना वो दिया गया है, साइड स्टेप पीछे भी डिस्क ब्रेक जो वो मिल जाता है, और यहाँ पे अपना क्रोम के साथ जो है बॉडी डोर हैंडल्स आगे भी पीछे भी, और ये पूरी क्रोम बेल्ट लाइन जो है ना यहाँ से स्टार्ट होके पीछे कवर करते हुए उस साइड पे एंड हो जाती है। हालांकि वीडियो जो है ना मैंने बहुत सारा अपलोड करके रखा है, बहुत सारे वीडियोस हैं, बट फिर भी मैं आपको मोटे मोटे तौर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह, इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह जो है वो मिल जाता है, पावर एडजस्टमेंट, ड्राइवर, को ड्राइवर, ठीक। यहाँ पे आपको हैंड्रेस्ट जो है वो दिया गया है, फोर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पे अपना डिप लॉक वगैरह वो सारा कुछ दिया गया है। इको पावर स्पोर्ट्स, ठीक है, तीनों मोड्स मिल जाते हैं, तीन पैडल्स जो वो दिए गए हैं, और मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर है, ठीक है। ऑटोमेटिक के अंदर भी आती है एक, इसका स्पोर्टी वर्जन भी आता है JRS स्पोर्ट, उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है, चाहे तो जाके देख सकते हैं। स्पीकर की प्लेसिंग, ब्लैक पियानो फिनिशिंग, पावर विंडो का कंट्रोल, पड़ा लैंप वगैरह जो है वो सारा कुछ चेक कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर जो है ना आपको JBL का पूरा सिस्टम जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। पीछे अगर देखें तो पीछे जो है कुछ आपको इस तरीके का पूरा सेटअप मिलने वाला है, लेदर फिनिशिंग के साथ में 5 लोग बैठ पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट जो है वो भी दिया गया है। पीछे अपना चार्जिंग सॉकेट, लगेज हुक वगैरह जो है वो मिल जाता है, कुछ इस टाइप का AC वेंट्स वगैरह जो है वो रहने वाला है। यहाँ पे फॉर्च्यूनर की एम्बोजिंग, छोटे छोटे हाईलाइट्स जो है यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अपना थर्ड रो जो है वो इधर है। पीछे अगर आ जाए तो यहाँ पे अपना रेयर LED कॉम्बिनेशन लैंप, फॉर्च्यूनर की एम्बोजिंग, ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है, पार्ट ऑफ एक्सेसरी। और यहाँ पे जो है ना अपना सेंसर्स, पार्किंग सेंसर्स, उसको देख सकते हैं। उसके अलावा क्या है, टोयोटा का लोगो, डिफॉगर, हाई मोड स्टॉप लैंप, और यहाँ पे ठीक है स्पॉइलर वाइपर यहाँ पे है, सिग्मा E4, ये 4x4 को दर्शाता है। अगर आप लेजेंडर लेंगे तो उसके अंदर भी जो है आपको सिग्मा E4, मतलब जहाँ भी सिग्मा E4 की बैजिंग लगी हुई, मतलब ये पर्टिकुलर वेरियंट जो है फोर व्हील ड्राइव वाला वेरियंट है। यहाँ पे भी अपना डिस्क ब्रेक जो है वो चेक कर सकते हैं। ड्राइवर साइड अगर देखें तो ड्राइवर साइड क्या है, ड्राइवर साइड बिल्कुल जैसे आपको ऑटो वाला फीचर जो वो मिल जाता है, वन टच अप वन टच डाउन। यहाँ पे भी इनोवा की तरह से जो है दिया गया है, ठीक है, कैन बॉटल वगैरह रख सकते हैं तो ये ठंडा रहेगा। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। उसके अलावा डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, AC और कैमरा वगैरह जो वो मिल जाएगा, AC वेंट, ऑटो डिमिंग IRBM, सनग्लास होल्डर, लाइट ऊपर में, और यहाँ पे भी आपको
इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट जो वो मिल जाता है फॉर्चुनर का, इसका प्लेट, ये सब जो आप देख रहे हैं ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। उसके अलावा यहाँ पे भी कुछ बटन दिए गए हैं, ये लीवर है बेसिकली बोनट ओपन करने के लिए, फ्यूल लिड ओपन करने के लिए, ठीक है, ये बूट के लिए है, ये पार्किंग ऑन ऑफ करने के लिए है, स्टार्ट सब का बटन जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो 2.8 लीटर जो है इसके अंदर आपको डीजल इंजन जो है वो मिल जाता है, ठीक है। माइलेज वगैरह तो फॉर्चुनर है तो अराउंड आपको 9-10 का माइलेज तो आई थिंक मिल ही जाएगा। और बेसिकली मेन मोटिव क्या था ना कि डिस्काउंट जो हम बताना चाह रहा था कि फिलहाल जो इसके अंदर कितना डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, तो वो डिस्काउंट वगैरह मैंने मेंशन कर दिया, एक्सो रूम ऑनरोड प्राइस क्या वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने रिव्यू भी ज़्यादा फोकस नहीं किया है, ऊपर से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो बता दी हैं, फ्रंट में स्किड प्लेट्स वगैरह जो वो मिल जाते हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो को अगर आप पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको फटाफट से जो है नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। थैंक यू।